दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप मेरे नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं, मैंने यहां पर फोटो लगाया है। और ये फोटो मैंने कैसे लगाया है अगर आप भी जानना चाहते हैं और अपने नोटिफिकेशन पैनल में अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखे उस पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही उस घंटे वाले बटन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, इससे यह होगा हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में अपना फोटो लगाने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने एक वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद आपके सामने देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में अपना फोटो कैसे लगाए। अगर आपको ऐसा देखने को ना मिले तो आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है वन सेड। लिख देने के बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में अपना फोटो कैसे लगाए। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से यहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनी वे पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए हम इसे डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद वन साइड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले डुअल सिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। डुअल सिम को ऑन कर देने के बाद अब इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वन साइड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यूज वन साइड को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिक बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वन साइड पर क्लिक करना है और उसके बाद अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अलाउ कर देना है। इतना करते ही आप इस ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन में फोटो लगाने के लिए आपको कलर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम बैकग्राउंड इमेज, तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल में दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला फाइल्स का, दूसरा फोटोज का। तो अगर आप अपने मोबाइल के गैलरी से अपने किसी फोटो को नोटिफिकेशन पैनल में लगाना चाहते हैं तो आपको फाइल्स पर क्लिक करना है। फाइल्स पर क्लिक करने के बाद एल्बम पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का गैलरी खुल के आ जाएगा। अब चलिए हम ऑल फोटो पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप भी किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अलाउ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस फोटो को क्रॉप करना है। तो जैसे कि मैंने भी क्रॉप कर लिया है, अब सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद चलिए हम इस ऐप को बंद कर देते हैं। बंद कर देने के बाद चलिए हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में फोटो लग चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में फोटो लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में अपना फोटो लगाने का। अगर दोस्तों आप लोग सीख लिए हैं कि किस तरह से नोटिफिकेशन पैनल में फोटो लगाया जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे जब तक अगले वीडियो में।